गाइस मॉर्निंग। तो अभी सुबह का 5 हो रहा है और बहुत दिनों बाद आज निकले हैं राइड में। तो और दो जन आ रहे हैं, मिलाता हूँ उन दोनों से, फिर रास्ते में मिलते हैं। और आज से बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉग करूँगा और आज के बहुत बड़ी जगह पे जा रहे हैं, मिलते हैं रास्ते में, सब डिटेल्स बोलता हूँ कहाँ जा रहे हैं कितने जा रहे हैं। One hour later. तो आखिरकार दोनों पहुंच गए, गणेश भाई और रितेश। तो अभी निकलते हैं लोग बाटबला के लिए और अभी 5:33 हो रहा है, आधा घंटा लेट हो गया और कोई नहीं चलता है। और आज का वेदर भी बढ़िया किया है, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है। और अभी लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट होने वाला है, सुनने को आ रहा है, तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, स्टे सेफ। मुझे आज जो राइड है, आज ड्रिजलिंग हो रहा है, तो एक ऐसे ही मतलब दिन एक वीडियो में बनाया था, तो तभी बारिश हुआ था, मुझे उस दिन का याद आ गया। वाले जो वीडियो है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखना, मजा आएगा। हम लोग बारिश के दिन में राइड किए थे। तो निकल चुके हैं अपने मंजिल पे और मजा आ रहा है बहुत दिनों बाद राइड करके। तो भाई लोग से राइड करने का मजा ही कुछ और है। तो बारीपदा में पहुंचते ही और एक जन वहां से ज्वाइन करेगा मेरा भाई। तो मजा आएगा, फोटो शूट होगा आज। ये जो बारीपदा का रास्ता हो गया ना पूरा क्लियर, मतलब पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब अभी जो गाड़ी चलाने में मजा बहुत आ रहा है। पहले ये जो सिंगल लेन हुआ करता था तो उसके वजह से गाड़ी इतना स्पीड नहीं चल पाता था, अभी गाड़ी अच्छा खासा स्पीड में चला सकते हो। पहले 3 घंटे लगता था बारीपदा पहुंचने में, बालेश्वर से ओनली 60 किलोमीटर, और अभी लगता है वो मतलब 1 आवर 1.5। इधर सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। ओह, तो ये टोल गेट स्टार्ट हो गया है। ये टोल गेट जो देख रहे हैं नया हुआ है टोल गेट, तो अभी स्टार्ट हुआ ये। सही है, ऐसे भी गाना निकालना चाहिए टोनी कक्कर को। सही है, चलो इधर बात। फाइनली हम लोग पहुंच गए, फाइनली बारीपदा। और यहाँ पे 3 जन हमको ज्वाइन करेंगे, 3 भाई हैं यहाँ पे हम लोग के बारीपदा में। ये है हम लोग का बारीपदा का स्टेशन, रेलवे स्टेशन बारीपदा। वेलकम।
ओ इधर है इधर है इधर है। क्या हाल चाल? जीवा ताले चलो। तुम्हें कोविड कहते अलग रास्ता अच्छे अलग रास्ता सेम रोड बाकी जगह ठीक अलग चलो ताले अलग यस धमाल मचाएंगे। आज बर्षा होता ना से मत लगे ये बर्षा हो मत से कथा मन पड़गला। हाँ लुलुंग गल मस्त नजारा है, दोनों तरफ पेड़ है और हम बीच में चल रहे हैं और यहाँ राइडिंग चल रही है। ओ बड़ीज एक बार देखो ग्रीनरी लाजवाब, क्या कहने नेचर के, गजब है गजब, नेचर्स नेचर्स बढ़िया लग रहा है। पहुंचने वाले हम लोग और कुछ ही देर, बस थोड़ा सा ही दूर है हम लोग, यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही होगा। अभी हम लोग घुस रहे हैं सिमरीपाड़ गेट और ऐसे दिखता है। तो यहाँ से जो है ऑफ रोडिंग स्टार्ट होता है, ऑफ रोडिंग। आगे और भी बढ़िया बढ़िया ऑफ रोड मिलेगा। कोपड़ जीवा फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए लुलुंग। तो लुलुंग एक्चुअली में है क्या कि मतलब ये एक सिमरी पार्क का बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, तो इसके अंदर लुलुंग एक छोटा सा जगह है इसका, मतलब ये वाटरफॉल है तो इसकी तरह बहुत सारा छोटा छोटा जगह है, सीताकुंड है और भी बहुत सारा जगह है ऐसा। ये पास में सीताकुंड है इसके, और इसका जो मेन पार्ट जो है सिमरी पार्क का वो अंदर जाना पड़ता है, वो ईयरली 3 मंथ्स खुलता है फिर उसके बाद बंद कर देते हैं उसको। तो फिर सही है, कभी वहाँ पे भी जाएंगे, मैं भी कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, तो यहाँ पे दो जन भाई मेरे जो नहीं आए हैं उन लोगों को लेके आया हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी है देख लो, और ये कुछ इस तरह से दिखता है।
मतलब ये विंटर के सीजन में और बारिश के सीजन में बहुत सारा पानी भर जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही भर जाता है पानी, और उस तरफ पूरा जंगल व्यू गजब। और अभी थोड़ा फोटो वगैरह उठाएंगे, और यहाँ पे रहने के लिए भी है, इस तरफ आप देख रहे हो अगर घर वगैरह दिख रहा होगा अंदर, उस तरफ कॉटेज वगैरह है। तो ये अरण्य निवास है, तो यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रुकते भी हैं, तो सही है, एंजॉय। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह उठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। और इतनी जल्दी तो नहीं निकलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे। अभी हम लोग जस्ट निकले हैं मतलब लुलुंग से, तो अभी डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग टूवर्ड्स बालेश्वर की तरफ, और टाइम हो रहा है 10:34 और धूप भी ज़्यादा हो गया है। तो बस ये वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं, तो तब तक स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट जब भी गाड़ी चलाओ, मिलते हैं दूसरी किसी ब्लॉग में।